नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए जो है किसी काम को 30 दिनों में करता है। ही स्टार्टेड वर्क आफ्टर 4 डेज, उन्होंने कार्य किया और 4 दिनों तक कार्य किया। बी ज्वाइंड हिम एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया करना और 4 दिनों तक ए काम किया, उसके बाद बी जो है उसके साथ ज्वाइन हुआ और पूरा काम जो था वो 10 दिन में समाप्त हो गया। फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, शुरुआत से, इन हाउ मच टाइम बी ए लोन कैन कम्प्लीट द 1/3 ऑफ द सेम वर्क। आपको बताना है कि बी जो है इसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो ए मान लेते हैं और बी की जो एफिशिएंसी है इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है, क्योंकि हमको एफिशिएंसी मालूम नहीं है तो टोटल वर्क हमको निकालेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी हम निकालना होगा। तो देखिए ए जो है 30 दिनों में ए एफिशिएंसी के साथ कार्य को करता है। तो टोटल वर्क निकालने का यही तरीका है कि एफिशिएंसी में और दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ए जो है 30 दिनों में, ए जो है 30 दिनों में ए एफिशिएंसी के साथ कार्य को करता है और ए ने 4 दिनों तक कार्य को किया। इसके बाद क्या हुआ कि बी जो है ज्वाइन हो गया और टोटल काम जो है शुरुआत से 10 दिनों में समाप्त हो गया। तो 4 दिन तो ए ने काम कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितना बचा, 6 दिन। 6 दिन में क्या हुआ कि ए प्लस बी ज्वाइन हो गए, ए प्लस बी ज्वाइन हो गए, बी जो है अपनी बी एफिशिएंसी के साथ ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 30 ए बराबर क्या हो जाएगा, 4A+6A+6B। अच्छे 4 10 और 10 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6B। तो यहाँ से ए बाई बी निकल के आ जाएगा आपका 6/20, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगा 10। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 10। अब यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं कि इनकी कोई सा भी एफिशिएंसी को आप या तो इसमें रखें या फिर इसमें रखें, टोटल वर्क समान ही आएगा। चलिए हम इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो 30 टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, 30 गुना एक एफिशिएंसी कितनी है 3 आई है, गुना 3 करते हैं टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 90। और ये बोल रहा है कि बी जो है अकेले इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा। तो बी द्वारा 1/3 भाग करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 90 का 1/3, ठीक है। और बी का एफिशिएंसी कितना आया है, 10 आया है, तो बटा में 10 कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 बार में चला जाएगा। तो बी जो है इस काम का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।